मुंबई में हुई एक समारोह के दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित को यह सम्मान 2023-24 में बेस्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। सीएट क्रिकेटर पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों को असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। वनडे इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए विराट कोहली को साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023-24 सीजन में विराट ने 1377 रन बनाए, जिसमें 6 शतक 8 अर्धशतक शामिल है। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में 765 रन के साथ टॉप स्कोर रहे थे विराट कोहली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। द्रविड़ ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोचिंग छोड़ दी थी। साल 2025 में टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का करेगी दौरा। दौरे पर भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से हेडिंग्ले में होगी। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया बर्मिंगम में दूसरा, लॉर्ड्स में तीसरा, ओल्ड ट्रेफर्ड्स में चौथा टेस्ट खेलेगी। आखिरी टेस्ट ओवर के मैदान पर 31 जुलाई को खेला जाएगा। भारत की मेंस टीम के अलावा वुमेन्स टीम भी इंग्लैंड का दौरा करेगी। दौरे पर भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। महिला टी20 सीरीज का आगाज 28 जून से होगा, जबकि वनडे सीरीज की शुरुआत 16 जुलाई से होगी। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के पास होगी। ट्रेडप्रिस ब्रिस्टॉल ओल्ड ट्रेफर्ड में खेले जाएंगे मैच। बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल वक्त में हीरो बने मोहम्मद रिजवान। 114 पर 4 विकेट गिरने के बाद रिजवान ने साउथ शकील के साथ मिलकर 240 रन की साझेदारी निभाई। पाकिस्तान के बल्लेबाज साउथ शकील ने 65 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। शकील ने 11वें टेस्ट की 20वीं पारी में 1000 रन पूरे किए। साउथ शकील से पहले सईद अहमद ने यह कारनामा किया था। श्रीलंका इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। श्रीलंका की पहली पारी 236 रन पर समाप्त हो गई। श्रीलंका के लिए धनंजय डी सिल्वा और मिलन रत्नायके ने खेली अर्धशतकीय पारी। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए 28 साल के मिलन रत्नायके का खेल दिखाया। मिलन ने 135 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया और भारत की टक्कर को लेकर अपनी बात रखी है। मैथ्यू हेडन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब होम एडवांटेज नहीं रहा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जो रन बने हैं वो बेशकीमती होंगे। हेडन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप मैन पीछे होंगे। भारतीय टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा को दिया गया इंग्लैंड के क्लब में छटका। सेंसेक्स की टीम ने चेतेश्वर पुजारा के साथ खत्म किया करार। सेंसेक्स ने पुजारा की जगह ऑस्ट्रेलिया के डेनियल ह्यूज को चुना। चेतेश्वर पुजारा 2024 में लगातार तीसरी बार सेंसेक्स की तरफ से खेले रहे हैं। पुजारा ने ह्यूज की वापसी से पहले 7 चैंपियन मैच खेले थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को नया सहायक कोच नियुक्त किया गया है। बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले यह बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आर श्रीधर को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए अपना कोच बनाया। आर श्रीधर काफी सीनियर कोच हैं।